हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पीनट बटर की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। पीनट बटर बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए देखते हैं पीनट बटर कैसे बनाते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। हम लेंगे 2 कप्स मूंगफली। अच्छी क्वालिटी की मूंगफली ले, क्योंकि जब हम इसे पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ऑयल 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने पीनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल। चीनी 1 टेबलस्पून लेंगे हम, आप पाउडर चीनी भी ले सकते हैं यहाँ। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम मूंगफली को एक पैन में डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। तेज आंच पर हम इसे रोस्ट करेंगे। इस तरह का कलर होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। चलिए, पीनट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसकी हम पील निकालते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही इजी टेक्निक शेयर करूंगी। एक टावल ले और टावल में पीनट डालें। इस तरीके से इसे रब करें। कुछ देर आप इसे रब करने के बाद पीनट्स के पेल बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पीनट्स के पील निकल चुके हैं। एक जार ले और इसमें चीनी डालें। सबसे पहले चीनी का पाउडर बनाएंगे। चेक करते रहें कि चीनी अच्छे से ग्राइंड हो रही है या नहीं। चीनी कंप्लीट पाउडरी होने तक इसे हमें ग्राइंड करना है।
चीनी अच्छे से पाउडर बन चुकी है। बहुत ही सफाई से पीनट्स के पील निकल चुकी है। अगर आप रेडीमेड रोस्टेड पीनट्स ले रहे हैं तो इसे एक और बार रोस्ट कर ले, क्योंकि जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो ये गर्म होंगे और गर्म होने से पेस्ट बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब पीनट्स हमारे अच्छे से गर्म है, अब हम इसे जार में डाल लेंगे। चीनी हम जार में से निकाल चुके हैं, अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे। पहले हम पीनट्स को ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। पीनट्स अच्छे तरीके से पाउडर बन चुके हैं, इसे हमें और ग्राइंड करना है जब तक कि ये पेस्ट बन जाए, कम्प्लीटली फाइन पेस्ट बने। इसमें चीनी डाल लेंगे, इसे और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन पेस्ट बन चुका है पीनट्स का। इसमें ऑयल डालेंगे और इसे और ग्राइंड करेंगे। हमारा पीनट बटर बन चुका है। एक जार में आप इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बहुत ही मजेदार सा पीनट बटर रेडी हो चुका है। मैं जल्दी आप सभी के साथ चॉकलेट पीनट बटर और क्रंची पीनट बटर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।